हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के यूजर यूज करते हैं। वो होता है सुपर यूजर, सिस्टम यूजर, नॉर्मल यूजर। इनकी यूजर आईडी क्या क्या होती है, कितनी रेंज होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जो हम लोग कमांड्स यूज करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन जिन जिन फाइल्स में और जिस डायरेक्टरी में अवेलेबल होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैं आपको अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर लेके चलना चाहता हूँ और यहाँ पर आप यूजर मैनेजमेंट पर्पस के लिए टर्मिनल को ओपन कीजिएगा। दोस्तों, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो होती है यूजर ऐड। जैसे कि यूजर ऐड स्पेस, जिस भी नेम से आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं उस यूजर का नेम प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि सनी, मैं अभी यहां पर एक सनी नाम का यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कर दीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसी तरह अगर आप किसी भी यूजर को पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सनी नाम का यूजर क्रिएट किया है, अगर आप सनी यूजर को पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी यूजर का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए जो हम लोग कमांड यूज करते हैं वो होती है पास डब्ल्यू डी। तो पास डब्ल्यू डी स्पेस यूजर नेम टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और अब आप यहां पर देख सकते हैं न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आया हुआ है। अब यहां पर दोस्तों आप सनी यूजर को जो भी पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं वो पासवर्ड अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहां पर पासवर्ड असाइन किया। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपने कीबोर्ड से पासवर्ड प्रेस करेंगे तो वो आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। अगेन आपको यहां पर रीटाइप न्यू पासवर्ड यानी कि पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगेन उस पासवर्ड को दोबारा से रीटाइप कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिएगा और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ऑल ऑथेंटिकेशन टेकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि सनी यूजर को पासवर्ड असाइन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों पहली कमांड हम लोग यूज करते हैं यूजर ऐड, किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए। या फिर दोस्तों हम लोग एक अनदर कमांड भी यूज कर सकते हैं, ऐड यूजर। दोस्तों, या तो आप यूजर ऐड कमांड यूज कर सकते हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए या फिर आप ऐड यूजर कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि ऐड यूजर स्प्रे स्पेस जिस भी नेम से आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर विशु नाम से यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, एंटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऐड यूजर के द्वारा भी आपका यूजर क्रिएट हो गया है। लेकिन दोस्तों पासवर्ड असाइन करने के लिए वही हम लोग कमांड यूज करते हैं, पास डब्ल्यू डी, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब विशु यूजर को जो भी आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं
वो आप प्रोवाइड कीजिए और एक बार आप रीटाइप भी कीजिएगा कंफर्म करने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सनी और विशु यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों कंफर्म करने के लिए आप किसी भी टर्मिनल पर जाकर यूजर नेम प्रोवाइड कीजिएगा जो आपने अभी क्रिएट किया है, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और इसका लॉगऑन पासवर्ड प्रोवाइड कीजिएगा जो आपने अभी असाइन किया है passwd कमांड के द्वारा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सनी यूजर के द्वारा आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और हु एम आई कमांड के द्वारा आप कंफर्म भी कर सकते हैं। हु एम आई, सॉरी सॉरी, हु एम आई कमांड के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप सनी यूजर से लॉगिन हैं। इसी तरह आप किसी अनदर टर्मिनल से, आई थिंक मैंने अभी एक विशु नाम का यूजर भी क्रिएट किया था और आप उसके द्वारा भी लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं और किसी भी यूजर को पासवर्ड असाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया यूजर ऐड या ऐड यूजर कमांड के द्वारा हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगर किसी भी यूजर की हम लोग होम डायरेक्टरी चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सुपर यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी होती है रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी, और जो नॉर्मल यूजर होता है जिन्हें हम लोग स्टैंडर्ड यूजर के नाम से भी जानते हैं उनकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी। इसे कंफर्म करने के लिए वापस मैं अपनी लिनक्स मशीन पर चलता हूं और यहां पर आप ls कमांड यूज कीजिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी है इसके अंदर सुपर यूजर की इंफॉर्मेशन सेव है। और दोस्तों जो हम लोग नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं उनकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम से होती है। दोस्तों कंफर्म करने के लिए ls कमांड के द्वारा आप होम डायरेक्टरी के अंदर भी चेक कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमने अभी सनी यूजर क्रिएट किया था उसकी होम डायरेक्टरी होम के अंदर है और विशु नाम के यूजर की भी होम डायरेक्टरी जो है वो होम नाम के डायरेक्टरी के अंदर ही है। ये वो यूजर है जब मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था उस टाइम पर जो मैंने यूजर क्रिएट किया था, यानी कि नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही सेव होती है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जैसे कि passwd एंड शेडो फाइल। इसके अंदर अंदर हम लोग यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए वापस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर चलते हैं। अब अगर आप कैट स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर एक passwd नाम की फाइल होती है जिसके अंदर दोस्तों सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है, चाहे वो सुपर यूजर है, सिस्टम यूजर है या फिर कोई भी नॉर्मल यूजर है। तो passwd फाइल का डेटा चेक करने के लिए आप कैट कमांड यूज करेंगे, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने कमांड यूज की कैट इज और फाइल नेम। सबसे पहले एंट्री जो है, मैं ऐसा करता हूं दोस्तों यहां पर और भी सिंपल में करने के लिए हाइफन एन यूज करता हूं लाइन नंबर के लिए। अब आपको जो इस फाइल का जो डेटा शो हो रहा है वो विद लाइन नंबर। दोस्तों फर्स्ट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं ये होता है हमारा यूजर नेम, ये होता है पासवर्ड पॉइंटर कि इस यूजर को पासवर्ड असाइन किया गया है। दोस्तों ये होती है इस यूजर की यूजर आईडी जो हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किया था कि सुपर यूजर की जो यूजर आईडी होती है वो होती है 0। दोस्तों ये होती है, ये होता है इस यूजर का फुल नेम, ये होता है यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ पर अवेलेबल है और ये आप देख सकते हैं इस यूजर की लॉगिन शेल है। लॉगिन शेल होती है जहां से ये यूजर अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है दोस्तों। और यहां से आप देख सकते हैं ये है 0 इस यूजर की यूजर आईडी।
अब सेकंड नंबर से ये हो जाते हैं आपके सभी सिस्टम यूजर्स स्टार्ट। 1 से लेकर 1000 तक जितने भी आपको यूजर्स मिलेंगे वो सभी हमारे सिस्टम यूजर्स होते हैं, यानी कि सर्विसेज होती है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीत यूजर जो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्रिएट किया था, आप उसकी यूजर आईडी देख सकते हैं, ग्रुप आईडी देख सकते हैं, उसका फुल नेम देख सकते हैं, उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ भी दोस्तों देख सकते हैं और लॉगिन शेल। इसी तरह सनी और विशु की इंफॉर्मेशन भी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों या तो आप कैट कमांड के द्वारा यूज कीजिए या फिर दोस्तों आप लोग ग्रैब कमांड भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो हम लोग इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं वो होती है ग्रैब कमांड। तो जस्ट ग्रैब टाइप कीजिए और ग्रैप स्पेस हाइफन एन स्पेस किस यूजर की आप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं passwd फाइल के अंदर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 38th में लाइन के अंदर प्रीत वर्ड यूज हो रहा है और उसकी पूरी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। चाहे तो आप दोस्तों यहां पर किसी भी यूजर का नेम डाल के आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल्टर करा सकते हो ग्रैप कमांड के द्वारा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप शेडो फाइल के अंदर भी कंफर्म कर सकते हैं। शेडो टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 40 लाइन के अंदर विशु वर्ड यूज किया जा रहा है। तो विशु यूजर नेम है आप यहां पर देख रहे हैं। शेडो फाइल के अंदर यहां से लेकर यहां तक विशु यूजर को जो भी पासवर्ड असाइन किया गया है दोस्तों ये वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद ये है नंबर ऑफ डेज, ये है मिनिमम पासवर्ड डेज, मैक्सिमम पासवर्ड डेज, वार्निंग डेज ऑफ पासवर्ड एक्सपायर, और ये इंफॉर्मेशन जो तो आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है ये होती है अकाउंट एक्सपायर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग passwd और शेडो फाइल को यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग यूजर मैनेजमेंट को कंटिन्यू रखेंगे।